और यहाँ पे देख सकते हैं कि सीधे तौर पर इस जो तस्वीरें लगाकर माल्यार्पण किए हैं और इन्हें अमंगल पांडे के नाम से घोषित कर दिए हैं कि हमारे लिए मर चुके हैं। बीपी चेक करने से पता चल जाता है कि हम लोग मतलब सुरक्षित हैं। वो ऐसा संवेदन दिखाते हैं कि हम बीपी चेक करवाते हैं, हम ध्यान देते हैं, 3 टाइम हमारा बीपी चेक होता है। लेकिन वो ये नहीं सोच सकते कि आकर एक बार पूछ रहे कि हाँ कैसे हैं, किस लिए हैं, क्यों नहीं सुनते हैं, मुझे नहीं समझ में आता है। अपने अस्तित्व का उनको वैल्यू नहीं है। एक बार हम लोग पुतला दहन करके ये दिखाए थे कि आप हमारे लिए मरने वाला काम कर रहे हैं। आज हमको उनको श्रद्धांजलि देना पड़ा क्योंकि वो हमारा नहीं सुन रहे हैं, उनके अस्तित्व का कोई मतलब नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिकन न्यूज, ब्रजेश कुमार का साथ। अभी हम राजधानी पटना के धरना स्थल गर्दनी बाग पर मौजूद हैं। यहाँ पे जीएनएम के जो छात्राएं हैं वो 21 दिनों से धरना स्थल पर यहाँ पे मौजूद हैं क्योंकि इन लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर ही उतरे हुए हैं, क्योंकि इन लोग का मांग था कि पटना से हम लोग राजा पाकर नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे कि इन लोग के 1 महीना पहले इन पर लाठियां बरसाई गई थी, क्योंकि पटना के पीएमसीएच में हॉस्टल इन लोग का खाली करवा दिया गया था और यहाँ से इन लोग को राजा पाकर जाने के लिए कहा गया था। लेकिन राजा पाकर जाने के लिए इसलिए नहीं कहा गया कि सीधे ही तौर पर इन लोग का कहना है कि हम लोग पटना के पीएमसीएच में एडमिशन लिए हैं तो हम लोग राजा पाकर क्यों जाएंगे। इसी को मांग कर लेकर के आज हम इन लोग से बात करेंगे, क्योंकि इन लोग के आज 21वां दिन है और अपनी मांगों को लेकर के धरना प्रदर्शन ये भी कर रहे हैं। आप लोग को 21 दिन से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। यहाँ पे मंगल पांडे को आज तस्वीर लगाए हैं और तस्वीर लगाने के बाद उन पर माल्यार्पण भी किया। कैसे देखते हैं? हम लोग यहाँ पे 1 महीने से हैं, यहाँ पे हम लोग यहाँ पे मर रहे हैं। 1 महीने से क्या हो रहा है, हम लोगों का शरीर खत्म ही हो रहा है ना। हम लोग मर रहे हैं यहाँ पे, तो आप भी मरिए, आपका मरना भी जरूरी है क्योंकि हम लोग आपको चुन करके वहाँ पे बैठाए हैं, तभी आज वहाँ पे आप बैठे हुए हैं। हम वहाँ पे बैठे हैं आप हमारा काम करने के लिए, हमारी बात को सुनने के लिए, लेकिन आप हमारी बात को नहीं सुन रहे, नहीं सुन रहे तो हम मरेंगे तो आप भी मरेंगे। अगर हम जब हम जिंदा थे तभी तो आपको वहाँ पे बैठाए हैं ना हम। आप हमारी बात को नहीं सुनेंगे, हम लोग यहाँ पे मरेंगे तो आपको भी मरना होगा, आप भी मरिएगा आज हमारे साथ। इसीलिए आज हम लोग ये माल्यार्पण करके ये दिखा रहे हैं कि आप भी मर रहे हैं। मंगल पांडे को क्योंकि वो मंगल है ही नहीं ना किसी के लिए। मंगल का मतलब होता है अच्छा। वो हमारे लिए कुछ भी अच्छा कर ही नहीं रहे। हमें रहने के लिए हॉस्टल तक नहीं दे रहे, हमें पढ़ने के लिए जगह तक नहीं दे रहे, हमारा हॉस्पिटल हमारा कॉलेज हमें नहीं दे रहे। वो तो वो क्या कर रहे हैं, वो अमंगल ही कर रहे हैं ना हमारे लिए। तो उनका नाम अमंगल पांडे ही होना चाहिए। मंगल पांडे तो किसी कीमत पे नहीं होना चाहिए। अमंगल पांडे क्यों कर दिए हैं आप लोग? मंगल पांडे नाम है, उनको शुद्धिकरण किए हैं या फिर उनको नाम को उनके स्वास्थ्य मंत्री रहते हुए बिहार में मतलब स्वास्थ्य से संबंधित कोई भी मंगल कार्य हुआ ही नहीं है, तो उनको अमंगल पांडे का न कहा जाए तो क्या कहा जाए। मतलब जीएनएम मतलब 200 छात्रों के लिए मतलब छात्राओं के लिए वो एक हॉस्टल नहीं प्रोवाइड कर सकते हैं। मतलब जब उन जो स्वास्थ्य कर्मी है, जब स्वास्थ्य मंत्री जी को स्वास्थ्य कर्मियों की स्वास्थ्य की चिंता नहीं है तो मतलब हम लोगों क्यों करें उनकी चिंता। इसीलिए हम लोग आज उनका मतलब श्रद्धांजलि उनको मार करके श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। क्या लग रहा है कि आप लोग 21 दिनों से यहाँ पे डटे हुए हैं, अभी तक मंगल पांडे को अमंगल पांडे कर दिए हैं, उनको तस्वीर पर आप लोग माल्यार्पण किए हैं? अगर वो अभी नहीं सुनते हैं ना तो अब तो वो उनका अस्तित्व ही नहीं है, अब क्या करेंगे वो। अब तो लड़कियां हमारी इतनी बीमार पड़ रही है, हम कहीं ना कहीं हम मर रहे हैं, तो हम अगर हम मर रहे हैं तो वो क्या करेंगे जिंदा होकर। जब उनकी बेटियां मर रही है तो उनको भी तो मरना पड़ेगा ना, तो आज वो भी मरे हम लोग के साथ में आज। अच्छा, मंगल पांडे जी को घोलटा दिए आज? हाँ हाँ बिल्कुल, आज वो मरेंगे और हम लोग उनको मार दिए हैं। मंगल पांडे को अमंगल पांडे कर दिए हैं। आप लोग 21 दिन से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और यहाँ पे माल्यार्पण भी किए हैं मंगल पांडे को। वो हमारे लिए पूरी बस इतना, उनके बीपी चेक करने से पता चल जाता है कि हम लोग मतलब सुरक्षित हैं। वो ऐसा संवेदन दिखाते हैं कि हम बीपी चेक करवाते हैं, हम ध्यान देते हैं, 3 टाइम हमारा बीपी चेक होता है। लेकिन वो ये नहीं सोच सकते कि आकर एक बार पूछ रहे कि हाँ कैसे हैं, किस लिए हैं, क्यों नहीं सुनते हैं, मुझे नहीं समझ में आता है। अपने अस्तित्व का उनको वैल्यू नहीं है। एक बार हम लोग पुतला दहन करके ये दिखाए थे कि आप हमारे लिए मरने वाला काम कर रहे हैं। आज हमको उनको श्रद्धांजलि देना पड़ा क्योंकि वो हमारा नहीं सुन रहे, उनके अस्तित्व का कोई मतलब नहीं है। क्या मंगल पांडे के कभी आप बीपी चेक किए हैं, जो बोल रहे हैं कि 3 बार दिन भर में बीपी चेक करवाते हैं? वो हमारा बीपी चेक करवाते हैं 3 दिन, 3-3 बार दिन भर में, और जो स्वास्थ्य कर्मी आके बीपी चेक करते हैं उनका उनके अकॉर्डिंग कभी हमारा बीपी लो होता ही नहीं है। हाँ, वो हमेशा 110/70, 120/80 होता है। हाँ, हम कभी बीमार पड़ते ही नहीं है। और बीपी चेक करने से उनको पता चल जाता है कि हम लोग सुरक्षित हैं, हम लोग खाए पिए हैं, एकदम सेफ है, हम लोग जिंदा बचे हुए हैं।
उनको बीपी दिखता है कि हाँ लड़कियों का बीपी नॉर्मल है, ये नहीं दिखता है कि लड़कियां डेली उनको पानी चढ़ रहा है, डेली इतनी वीक हो गई है कि लड़कियों को वोमिटिंग, पेट दर्द, अब अल्ट्रासाउंड करने का नौबत आ गया, डॉक्टर यहाँ तक बोल रहे कि लड़कियों को ट्रांसफर करना पड़ेगा, अब गर्दनीबाग के हॉस्पिटल से लड़कियां नहीं संभल रही, तो बोल रहे कि अब पीएमसीएच या एनएमसीएच हम ट्रांसफर करेंगे, और ट्रांसफर करने के बाद लड़कियों पर एफआईआर होगी, उनकी 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 जान तक ली जा सकती है। अब बताइए हम लोग क्या करें, उसे अच्छा नहीं कि हम लोग यहीं बैठे बैठे मरते भी और उनको मारते भी है बैठ के। यहाँ पे मंगल पांडे को आप कैसे देखते हैं, यहाँ पे लिए हुए आप हम जीएनएम छात्राओं के तरफ से श्रद्धांजलि अपूर्व? हाँ, वो इस लायक है ही नहीं, अब काम तो कुछ करते नहीं है, बोलते हैं उससे मुकर ही लेते हैं, तो फिर उनका मतलब ही क्या है जीने का, जब वो जिस काम के लिए चुने गए हैं वो करेंगे ही नहीं, तो वो फिर क्या कर रहे हैं, जिंदा ही क्यों है, शर्म से मर जान चाहिए उनको तो। अच्छा, आप लोग आज मार दिए मंगल पांडे को? हम लोग नहीं मारे हैं, वो खुद अपने कर्म से मरे हैं, उन्होंने जो कर्म किया है हमारे साथ उसके कारण वो मरे हैं, हमारा ऐसा कोई शौक नहीं है कि हम उन्हें मारें। अभी किस दिन से यहाँ पे डटे हुए हैं भूखे प्यासे और मंगल पांडे को अमंगल पांडे करके नाम घोषित? बिल्कुल, वो उन्होंने हम छात्राओं के लिए, जो छात्राएं जो कोविड के टाइम में इतना सब कुछ किए, उनको कोविड वॉरियर्स कहा गया, उस समय सब कुछ दिख रहा था उनको, और अभी 21 दिन 22 दिन हो गया आज हमारा गर्दनीबाग में, एक महीने से ज्यादा से हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, 10 दिन से लड़कियां भूखे प्यासे मर रही है यहाँ पे, लेकिन उनको हम जो छात्राओं हैं, जो जीएनएम स्टूडेंट हैं, उनका दर्द नहीं दिख रहा है उनको, वो सिर्फ हमारा बस एक संवेदना दिखता है उनको कि हमारा बीपी चेक करवा देते हैं, उसके बाद उनको देखने तक नहीं आते कि यहाँ जो छात्राएं जो प्रोटेस्ट कर रही है वो जिंदा भी है या मर गई है। तो वैसे जो मंगल पांडे जो स्वास्थ्य मंत्री है वो हमारे लिए नहीं, बिल्कुल एग्जिस्ट नहीं करते हैं, वो हमारे लिए एकदम अमंगल पांडे ही है वो, और जो अब मर चुके हैं हमारे लिए वो जिंदा नहीं, अगर जिंदा होते ना तो अब तक जरूर आते एक बार हम छात्राओं से मिलने, हमारा देख एक बार तो पूछ तो लेते कि तुम लोग क्यों प्रोटेस्ट कर रही हो, क्यों बैठी हो, क्यों अपना जान देने पे तुली हुए तुम लोग, लेकिन उन्हें फर्क नहीं पड़ता है, वो अपनी जिद पे ही अड़े हुए हैं कि वो जो डिसीजन ले लिए उनको वही काम करना है, जो हमारे लिए बिल्कुल सही नहीं है, तो वो हमारे लिए एकदम अमंगल पांडे बन चुके हैं। देखिए, बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे को अमंगल पांडे कर देगा, पिछले 21 दिनों से अमंगल पांडे जी हमारे लिए लापता हैं, ऐसा कहना जो जीएनएम के छात्राएं हैं उनको कहना, और यहां पे देख सकते हैं कि सीधे तौर पर इस जो तस्वीरें लगाकर माल्यार्पण किए हैं और इन्हें अमंगल पांडे के नाम से घोषित कर दिए हैं कि हमारे लिए मर चुके हैं, ऐसा कहना बिहार के जो जीएनएम है उनको, क्योंकि बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी हैं, मंगल पांडे जी इन लोग का हॉस्टल प्रोवाइड नहीं करवा रहे हैं, इसको लेकर के ये लोग जीएनएम 21 दिन से पटना के धरना स्थल गर्दनीबाग पर मौजूद है, तब देखने की बात है क्या मंगल पांडे जी इन पर कोई एक्शन लेते हैं या फिर इन लोग का हॉस्टल का लिए कहीं व्यवस्था करते हैं पटना में कि नहीं। तो अभी तक फिलहाल इतना ही, बना रही है रिपब्लिकन न्यूज पर, धन्यवाद। रिपब्लिकन न्यूज से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए यहाँ बेल को दबाएं, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।